हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रियल टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पासबुक के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो गाइस कैसे चेंज कर सकते हो, या फ्रेंड्स आप अपनी पासबुक के जो पासवर्ड है उनको देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर कि आप अपने पासबुक के पासवर्ड भूल गए हो, आप उसे देखना चाहते हो तो गाइस आप इजी तरीके से देख सकते हो। गाइस, अगर आपने अपने फेसबुक के पासवर्ड अपनी जीमेल में सेव कर रखे हैं तो आप इजी तरीके से आप देख सकते हो। आपकी ईमेल आपको ओपन करनी है। ईमेल ओपन करने के बाद में आपको ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन गाइस जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे ईमेल पे, यहां पर आता है गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन। इस गूगल वाले अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। देन गाइस जैसे आप यहां पर क्लिक कर लोगे उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिलता है एक सिक्योरिटी का ऑप्शन। ठीक है, सिक्योरिटी पे क्लिक करना एंड जैसे नीचे स्लाइड करोगे तो आपको एक देखने को मिलेगा पासवर्ड मैनेजर का। गाइस, अगर आप सेव करते हो तो आपको यहाँ पर जो जो भी आपने सेव कर रखे हैं उनके सारे के सारे पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपके पासबुक की भी अगर आपने सेव कर रखा है तो आपका पासबुक का पासवर्ड भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपने सेव नहीं कर रखा है तो गाइस आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो। तो गाइस होता क्या, आपने फेसबुक ओपन की, फेसबुक ओपन करने के बाद में सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना। देन फ्रेंड्स सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे क्लिक किया उसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ आप यहाँ पर सी मोर एंड अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो। एंड गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है चेंज पासवर्ड। फ्रेंड्स चेंज पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा ऐसा इंटरफेस। अब यहाँ पर गाइस दो अकाउंट देख सकते हो, इंस्टाग्राम के हैं एंड एक अकाउंट है जो यहाँ पर फेसबुक का है। अपन फेसबुक वाले पे क्लिक करेंगे क्योंकि अपन को फेसबुक का ही पासवर्ड चेंज करना है। देन गाइस यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ऐसा इंटरफेस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपको पुराना पासवर्ड पता है तो आपको यहाँ पर डालना है एंड गाइस न्यू पासवर्ड यहाँ पर डालना है, फिर से रिपीट पासवर्ड कर देना है। दोनों जगह न्यू पासवर्ड, पुराना पासवर्ड यहाँ पर एंड इजी तरीके से आप चेंज पासवर्ड कर लोगे। उसके अलावा गाइस यहाँ पर जैसे कि नीचे फॉरगेट पासवर्ड का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइस आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हो एंड फ्रेंड्स न्यू पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हो। सो गाइस फॉरगेट करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइस जैसे कि यहां पर देख सकते हो इसमें मेरे मोबाइल नंबर ऐड है। अब मैं जैसे कि यहां पर सेलेक्ट करूंगा एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अपन को यहां पर देखने को मिल जाता है एक कैप्चा कोड। अब गाइस इस कैप्चा कोड को अपन को फिलअप कर लेना है, आपको अलग मिलेगा। उसके बाद में यहां पर आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आता है। अब गाइस प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर कभी ओटीपी नहीं आता है, यानी कि बहुत सारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाता है, बहुत सारे के यहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो गाइस अगर ओटीपी नहीं आएगा तो यहाँ पर आप ओटीपी नहीं डाल पाओगे एंड गाइस आपके फेसबुक पासवर्ड आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो गाइस आज उसी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेंज करोगे। तो गाइस ओटीपी नहीं आएंगे तो अपन ओटीपी यहाँ पर नहीं डाल सकते। तो गाइस यहाँ पर बैक ले लेता हूँ, आपको आ जाना है बैक। एंड बैक आने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहां पर करना कुछ भी नहीं है। नीचे आपको यहां पर देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का एक ऑप्शन, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा पर्सनल डिटेल। इस पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है एंड फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइस यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो कॉन्टैक्ट इन्फो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल वगैरह ऐड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब गाइस जो ये ईमेल ऐड है वो है गाइस इंस्टाग्राम की, यहाँ पर फेसबुक की ईमेल ऐड नहीं है मेरी। तो गाइस अगर आपकी फेसबुक की ईमेल ऐड है तब भी आपको दिक्कत नहीं करनी है। नीचे आपको देखने को मिलेगा एड न्यू कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, एड मोबाइल नंबर एंड एड ईमेल एड्रेस। तो गाइस आपको मोबाइल नंबर ऐड नहीं करना है, आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड कर लेना है क्योंकि मोबाइल नंबर पे तो वैसे ही ओटीपी नहीं आ रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ईमेल एड्रेस डाल देना है जो आपके पास हो। तो गाइस मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ एक जो मेरे पास है। फाइनली यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि फेसबुक पे अपन डाल रहे हैं तो फेसबुक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके गाइस फेसबुक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। देन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया
एंड यहाँ पर देख सकते हो एड योर ईमेल एड्रेस अपना ऐड हो चुका है एंड अपन क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद में फ्रेंड्स आपको आ जाना है बैक, तो अपन बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है वापस। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपका अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है फेसबुक का, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फेसबुक का सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ईमेल, ठीक है। ईमेल यहाँ पर देख सकते हो एंड आपको ईमेल सेलेक्ट कर लेना है एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो अपन को ओटीपी आ चुका है। यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो ऊपर 7:26 एंड 7:25 पे अपन को ओटीपी आया है एक, तो अपन यहाँ पर देख सकते हो 9168 करके यहाँ पर ओटीपी है। अब अपन आ जाएंगे वापस एंड यहाँ पर अपन डाल देंगे वो पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए 6 डिजिट के ओटीपी। फ्रेंड्स ओटीपी डालने के बाद में अपन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन गाइस मैंने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड डाल लेना है। सो गाइस मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल लिया। पासवर्ड डालने के बाद में अगर आप यहाँ पर टिक करना चाहते हो तो टिक कर सकते हो, तो गाइस यहाँ पर सेव हो जाएगा एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि पासवर्ड सही डालना है, तो पासवर्ड मैं सही डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोबारा फिर से पासवर्ड डाल लिया एंड यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अपने पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अब गाइस इजी तरीके से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो एंड आपको न्यू पासवर्ड भी आ गए। तो गाइस आप इस तरीके से अपने पासबुक के पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पासवर्ड देख सकते हो। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।